पिछले वीडियो में हमने इमेज अपलोड कराई थी जो स्टैटिक इमेज अपलोड थी। इस वीडियो में हम इसको डायनामिक बनाएंगे और डाटाबेस में इमेज को सेव कराएंगे। तो एडिटर के अंदर आ जाते हैं, अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले कल हमने मोबाइल के फोल्डर के अंदर ही इस इमेज को अपलोड करा दिया था। इस वीडियो में हम अपना जो एसेसरीज़ के लिए वो बनाएंगे एक फोल्डर जिसमें एसेसरीज़ की इमेज इंसर्ट होगी। मोबाइल इमेज के अंदर अपलोड कराई थी, एक नया फोल्डर बनाते हैं। नया फोल्डर में यहाँ से बना लेता हूँ ठीक है। मैंने फोल्डर बना लिया है एसेसरीज इमेज के नाम से और हम इस फोल्डर का नाम चेंज कर देंगे। अब एसेसरीज इमेज के फोल्डर के अंदर इमेज अपलोड हो, ठीक है। ये हो गया हमारा एक काम। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, इमेज इसमें जा रही है या नहीं जा रही। कंट्रोल आर, ठीक है। एक, दो, तीन और चार, क्लिक किया, इमेज अपलोड सक्सेसफुली। इसमें आ जाते हैं एसेसरीज इमेज के अंदर, ठीक है। जो हमने चार इमेज सेलेक्ट की थी वो इस फोल्डर में आ रही है, इमेज हमारी अपलोड हो रही है, ठीक है। इसको कर देते क्लोज। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस ओपन करते हैं। ये ओपन होए तब तक सेलर के अंदर लिस्टिंग मोबाइल एसेसरीज, कंट्रोल एफ करते हैं, आईडी लिखते हैं। नहीं, आईडी किस चीज़ की आईडी है वो, आईडी इज़ ठीक है। ये प्रोडक्ट आईडी है जहाँ पे हम आईडी शो करवा रहे हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है। अभी हम स्टैटिक आईडी पे इमेज अपलोड कराएंगे। देखते लास्ट हमने कौन सा आइटम इंसर्ट किया था हेडफोन के अंदर, आईडी क्या है उसकी। इसकी आईडी 5 है तो हम 5 नंबर की आईडी पे इमेज इंसर्ट कराएंगे और फिर इसको जब ये इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में तो इसको डायनामिक कर देंगे। फिर 5 इसको स्टैटिक दे दिया मैंने और एक इनपुट फील्ड बनाऊँगा मैं, हिडन होगा जो, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम है, प्रोडक्ट आईडी, आईडी है प्रोडक्ट आईडी, स्टाइल डिस्प्ले नॉन, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू है, अभी हमारे को इसकी वैल्यू रखनी है 5, क्योंकि अभी हम 5 नंबर की आईडी पे इमेज अपलोड कराना चाहते हैं, ठीक है। डाटा यहाँ से इस पे आ जाएगा कंट्रोलर से होता हुआ इसके अंदर। अब हमारे को करना है इसी को जो लिखा हुआ है इनको हटा देते हैं। i1, i2, i3, i4, $this db update, नहीं अपडेट करना है, where किस जगह अपडेट करना है, आईडी लोड करा लेते हैं। $this import post
हमारे को आईडी कहाँ से मिलेगी? आईडी मिलेगी जो अभी हमने हिडन इनपुट फील्ड बनाया है प्रोडक्ट आईडी का, पेस्ट कर देंगे प्रोडक्ट आईडी। इस आईडी के ऊपर हमें इमेज का जो भी इमेज के नाम आते हैं वो इस टेबल के अंदर इंसर्ट कराने हैं इस आईडी के ऊपर। वेयर जहाँ पर हेडफोन आईडी हो प्रो आईडी, वहाँ पे अपडेट कर दे टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है हेडफोन, हेडफोन्स। क्या चीज़ अपडेट करें? हमने इसके अंदर कॉलम बना रखे हैं क्या? इमेज के लिए नहीं बना रखे, ठीक है। स्ट्रक्चर पे आते हैं, हमें चार इमेज अपलोड करानी है तो चार कॉलम और ऐड करेंगे इसके अंदर। नीचे आ जाते हैं और ऐड करते हैं इसमें चार सेलर आईडी। लिस्टिंग फीस के बाद इसको लिखते हैं H फॉर हेडफोन इमेज वन, H इमेज टू, H इमेज थ्री, इमेज फोर। इनका टाइप होगा, टेक्स्ट टाइप के होंगे सभी ये। टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेंथ है 255, और सेव पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे कुछ कॉलम और ऐड हो गए जिसमें चार इमेज अपलोड, चार इमेज का जो एड्रेस होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, सबसे फर्स्ट इमेज आएगी H इमेज वन में। H इमेज वन के अंदर आई वन जो इमेज है वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद टू में H इमेज टू के अंदर आई टू, उसके बाद H इमेज थ्री के अंदर आएगी आई थ्री, उसके बाद H इमेज फोर, इसके अंदर आएगी आई फोर की इमेज। इसको लिख देते हैं वेरिएबल अपडेट आई एम जी इफ अपडेट इमेज, अगर ट्रू है तो रिटर्न करें ट्रू, एल्स रिटर्न करें फॉल्स। अपलोड करा के देखते हैं इमेज को। पांच नंबर की आईडी पे इमेज के एड्रेस आने चाहिए, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं आ रहा। फर्स्ट इमेज हमें चाहिए ये, सेकंड ये, थर्ड नंबर ये, और फोर्थ है हमारी ये। क्लिक किया, इमेज अपलोड सक्सेसफुली। रिफ्रेश करते हैं डेटाबेस को, क्या हुआ? इमेज तो आई नहीं। इमेज की आईडी नहीं आई इसलिए शायद, तो इसको ऐसे करते हैं कंट्रोल एक्स, इसको करेंगे कंट्रोल एक्स, और फॉर्म के
अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसकी आईडी आ जाएगी हमारे पास, इसलिए पिछली बार एरर इसी से आया होगा। कुछ और देख लेते हैं इमेज। एक मेस में सेकेंड एमएस फोर एंड एमएस फाइव क्लिक किया। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है एड्रेस आ गई। वो इसलिए नहीं आ रही थी कि वो फॉर्म से बाहर था, तो उसको जो हमने फॉर्म डाटा सेव किया है वो उसके अंदर नहीं आ रहा था, इसलिए उसकी आईडी नहीं आ रही थी। आईडी आ गई, इमेज आ गई, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इमेज से पहले एक वन लिखा हुआ आ रहा है, इसको कैसे हटाएंगे? इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो इमेज हमारी जो शो कराएंगे तो उसका एड्रेस तो गलत हो जाएगा। तो इसको आते हैं, सेलर मॉडल में आते हैं और इसको लिखते हैं IMG1। SUBSTR सबस्ट्रिंग I1 ऐसे क्या लगाते हैं इसको हटाने के लिए, एक सेकेंड चेक करते हैं। कंट्रोल F SUV, ठीक है 1 लिखेंगे तो शायद ये 1 हट जाएगा। 4 इमेज है हमारे पास, 2, 3 ये 4 नंबर की इमेज है, 4 ठीक है। एक बार वापस इमेज अपलोड करा के देखते हैं। कंट्रोल आर, जियो वाली इमेज 1, 2, 3 और ये लास्ट टेस्ट सेल वाली, क्लिक किया अपलोड सक्सेसफुली। इसमें देखते हैं OS4 OS5, ठीक है अब हमारा हो गया काम अपलोड कराने का। इमेज तो अपलोड हो गई, लेकिन जो इन्हें 4 हमने कॉलम बनाए हैं, जो इमेज अपलोड हुई है वो इसमें शो भी होनी चाहिए। शो कैसे कराएंगे, जो हमने रिटर्न ट्रू किया है उसको, रिटर्न ट्रू को हटा देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं $this DB गेटवेयर, अगर अपलोड हो जाए डाटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन, उसके बाद क्या करें कि जहाँ पर हेडफोन आईडी बराबर हो, क्या नाम से बनाई है मैंने, प्रोडक्ट आईडी के नाम से, तो इसका वेरिएबल है प्रो आईडी, ठीक है। इसको लिख देते हैं गेट हेड डिटेल, हेडफोन की डिटेल आ गई। लगाते हैं इसके अंदर इफ गेट हेडफोन डिटेल, अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 है तो हमें रिटर्न करे गेट हेडफोन डिटेल रो, जो भी अभी इमेज अपलोड की है उसकी रो हमें रिटर्न कर दे, एल्स अगर ऐसा नहीं हो तो रिटर्न करे फॉल्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कंट्रोलर के अंदर, आ जाते हैं अब हम कंट्रोलर है सेलर कंट्रोलर, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर वहाँ से रो हमें रिटर्न हो जाती है तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे आउटपुट के नाम से, आउटपुट। इस आउटपुट में हमें शो करना है
इमेज को। तो इस जगह आते हैं, उसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, सो अपलोड इमेज, क्लोज, और इसको करते रिफ्रेश एक बार। ठीक है, चेंज नहीं हुआ। और जो ये रो है उसको यहाँ से कट कर देंगे, कंट्रोल एक्स। इसके अंदर जो आईडी दी है हमने, सो इमेज, सो अपलोडेड इमेज, इसके अंदर हमारी इमेज शो हो जाएगी। ठीक है, और हम इधर आ जाते हैं, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आके हमें करना है इस जगह इमेज अपलोड। IMGSRC क्लास देंगे इसे, रेस्पॉन्सिव इमेज, और जो इसको एड्रेस देंगे वो है, सबसे पहले तो देंगे इसे हम base URL। base URL के बाद फोल्डर का हमारा क्या नाम था, फोल्डर की जगह है एसेसरीज इमेज, मीनिंग चेक ले कर लेते हैं AWS एसेसरीज इमेज। इसके बाद जो हमारा रिजल्ट वेरिएबल है जिसके अंदर रो आ रही है, उसके अंदर से हमें H image 1 इस जगह शो हो जाए। और जो दूसरी इमेज है उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, IMG पेस्ट, क्लास रिस्पॉन्सिव इमेज, पेस्ट किया, और ये लास्ट इमेज है फोर्थ नंबर की, इसको भी पेस्ट किया। ये फोर नंबर की इमेज है, ये थ्री नंबर है, और ये टू। और यहाँ पे हम इको कर देते हैं आउटपुट को, जो भी आउटपुट आएगा वो शो हो जाए हमें। और अब आते हैं मोबाइल एसेसरीज के अंदर, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और नीचे जहाँ पे हमने अलर्ट मैसेज दिया है इस जगह, अलर्ट मैसेज आने के बाद इमेज हमें शो होने लग जाए, HTML डाटा। ठीक है, कंट्रोल आर करते हैं, अभी यहाँ पे जो सेक्शन है इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, जब इमेज अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे आने लग जाए। ठीक, क्या बोल रहा है, प्लीज सेलेक्ट प्रोडक्ट फर्स्ट इमेज। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक करता हूँ मैं, इमेज अपलोड फेल, कुछ एरर आ गई। ठीक है, चेक करते हैं एक बार एरर क्या चीज की आ गई इसके अंदर, क्लिक किया, एरर क्यों आई है, इमेज अपलोड फेल।
कंट्रोल आर करते हैं दोबारा। मेज अपलोड फेल, अब क्या हो गया, से एरर कैसे दे रहा है। नेटवर्क में आ जाते हैं, क्या है, बड़ा करते हैं, कुछ एरर आ रही है। हेडफोन आईडी, कंट्रोल आर करते हैं, एरर है, इस जगह आ जाते हैं। ओहो हो, कुछ गलत हो गया, गलत ये हो गया कि हमने इसको आईडी तो बता दी लेकिन ये नहीं बताया कि किस टेबल के अंदर जाके ये चेक करें, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। कंट्रोल आर दोबारा करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कभी कभी तो परेशानी हो जाती है ज़्यादा। क्लिक किया, इमेज अपलोड सक्सेसफुली, ओके, इमेज शो नहीं हो रही, लेकिन अब एक नई एरर है। अब इसको क्या हुआ, इमेज शो क्यों नहीं हो रही, बेस यूआरएल एसेसरीज इमेज, टेस्ट करके देखते हैं। मैं शो नहीं हो रही, एरर आ रही होगी इसके अंदर कुछ ना कुछ। रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ भी नहीं आया, रिस्पॉन्स पर कोई एरर नहीं है, सही आ रहा है लेकिन शो नहीं हो रही, शो होने का कोड गलत है शायद। क्लास यहाँ पे दिया हुआ, उसको आईडी में बताया है, दोबारा करते हैं, इस बार एक भी एरर नहीं आएगी। हमने क्लास दी थी लेकिन उसमें आईडी का सिंबल लगा दिया, तो फिर इमेज किससे शो होगी, कोड में एरर नहीं है फिर भी एरर आ जाता है। क्लिक किया, हेलो अभी भी नहीं हो रहा, तो आप इससे कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, क्लिक किया, क्लिक किया, रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है। डेटाबेस पे तो इमेज जा रही है ना, इमेज जा रही है लेकिन शो नहीं हो रही। सो अपलोडेड इमेज, इस बार तो वीडियो को रोकना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या एरर है। सो अपलोडेड इमेज में डाटा शो हो जाए,
वीडियो को मैं रोकता हूँ और एरर को निकालता हूँ। ये एरर हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका एरर निकाल लेंगे और इसको कंप्लीट डायनेमिक बना देंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया इसलिए इसमें एरर मिल नहीं रही इसमें, तो इसको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यहीं से ही स्टार्ट करेंगे।